गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो गाइस, आज हम अपनी धन्नो को ले आए हैं मारुति के सर्विस सेंटर में, जो कि सर्विस सेंटर में हम आज इसकी कराएंगे वॉशिंग। नमस्ते जी। नमस्ते। तो इसकी वॉशिंग में अपने क्या है, हमको मिले हुए हैं सर्विस के दो कूपन, जो कि हमें इंश्योरेंस कराया था उसके साथ मिले थे। तो हम जब भी अगर इंश्योरेंस पे ज़्यादा हम क्लेम नहीं लेते तो वो जो मारुति सुजुकी कंपनी वो हमें डिस्काउंट देती है, जो हमें दो वॉशिंग के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम कराएंगे इसकी वॉशिंग। तो बट आप देख सकते हैं अंदर से अपनी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं है, बट बाहर से थोड़ी सी गाड़ी की सर्विस करवा लेंगे हम। तो गाइस चलिए गाड़ी को लगाते हैं और दिखाते हैं कैसे कुछ उसकी सर्विस होगी। तो गाइस जैसा कि हम आ चुके हैं कंपोनेंट में, तो गाइस अपने से एक मिस्टेक हो गई थी जिसमें हम अभी पहले गए थे, वो थे मारुति सुजुकी की नॉर्मल कंपनी की सर्विस सेंटर, लेकिन हमारी जो गाड़ी के सर्विस कूपन वॉशिंग कूपन थे वो अपने कंपोनेंट ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के थे, जो कि अपनी फॉर्मेलिटी यहाँ के पूरी हो गई है। ये अपने गुड़गांव में आए हैं सेक्टर 33-34 में, जो कि अपोजिट हीरो होंडा के सामने है। तो ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, अब गाड़ी पे जो है नंबर डल चुका है, जो अपना नंबर आया है वो 4th नंबर आया है। तो गाइस चलिए जैसे ही अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कंपनी की वॉशिंग कैसे कुछ होती है, क्या क्या उसमें करते हैं, कितना ज़्यादा बाहर से और अंदर में फ़र्क होता है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। जैसा कि अपनी गाड़ी आ चुकी है सर्विस सेंटर में, तो अभी आपको दिखाते हैं अपना नंबर कौन सा आया है। हालांकि अपनी थोड़ी सी शक्ल देख के भाइयों ने थोड़ा सा नंबर जल्दी लगा दिया है, क्योंकि ये जो सामने शिफ्ट खड़ी है ये भी हमसे पहले आई थी, और ये ब्लैन तो ऑब्वियसली पहले आई हुई है, बट अपनी गाड़ी इनसे आगे लग गई है। तो कोई बात नहीं, अपनी धन्नो की शक्ल देख कर हमारी शक्ल देख के उन्होंने थोड़ा जल्दी कर दिया। तो आ चुकी है, तो यहाँ इनके भाइयों का सर्विस सेंटर। भाई दोस्त सफाई ना जाने से कर दिया, ठीक है। बैग ले लेता हूँ, बैग लेता हूँ, यहाँ रखा यही रख देगा, है कहीं जगह रखने की है कुछ सामने को नहीं चला देते आप दोनों। अभी इससे मार रहे हैं वैक्यूम, तो इनका जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई लेवल होता है, जबकि इनकी ऑनलाइन पाइप है आप देख सकते हैं पीले वाली। तो अभी गाड़ी को करा रहे हैं वैक्यूम, उसके बाद गाड़ी होगी सर्विस। काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक कर रहे हैं इसको, तो मैंने बोल दिया है कि इंजन कंपार्टमेंट को भी अच्छे से ही साफ करना है। तो देखते हैं गाइस, सामान इसमें से हमने पहले ही निकाल लिया है इसके अंदर से। तो गाइस यहाँ पे है अपना पूरा फुल्ली ऑटोमेटिकली सिस्टम, और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे से। तो यहाँ पे हो रही है ऑटोमेटिकली सिस्टम। गाइस देखिए कंपनी की बातचीत क्या है, प्रेशर काफ़ी अच्छा है। गाइस पहले होता था कि हाँ आदमी को धोनी पड़ती थी, बट यहाँ पे टोटली फुल्ली ऑटोमेटिकली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस प्रेशर काफ़ी अच्छा है इसका, तो मैंने खैर पहली बार ही ऑटोमेटिकली ये देखा है, क्योंकि जहाँ भी मैं करवाता था सर्विस वहाँ नॉर्मली अपने जो अपना लड़का होता है वही करता है सर्विस, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे रैंप बना हुआ है नीचे जिसमें कि ये चल रहा है। गाइस ज़बरदस्त बातचीत है यहाँ की। तो गाइस भैया से मैंने पूछा है, तो नीचे से खाली ये धोता है, ऊपर से अपने आप ही धोनी पड़ती है। तो नीचे से काफ़ी अच्छा है, गाड़ी के नीचे झुकना नहीं पड़ता, काफ़ी अच्छा बातचीत है इसकी, काफ़ी हद तक गाड़ी अच्छे से साफ हो रही है नीचे से, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा नीचे से आदमी घुस नहीं पाता है। गाइस अपनी धन्नो देखिए, आज साइन मारने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे एक और गाड़ी लग चुकी है जो ब्लैन हमसे पहले आई थी, बट हमने थोड़ी सी आगे लगवा लिया गाड़ी का। तो गाइस अब गाड़ी चलेगी अपनी आगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ मशीन है यहाँ पे जो कि सर्विस नीचे से करती है। तो ये है यहाँ पर बातचीत, प्रेशर काफ़ी अच्छा है इसका, यही रैम बना हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है ये, जो कि नीचे से अपने आप ही गाड़ी का वॉश कर देता है। तो अब देखते हैं नीचे से कितने कुछ हद तक वॉश हो गई है गाड़ी। तो भाई आप देख पा रहे होंगे गाड़ी काफ़ी हद तक वॉश हो चुकी है नीचे से। बट देखते हैं ऊपर से क्या कुछ कैसी कुछ धुलाई होती है।
गाइस सर्विसिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट, तो आप देख लीजिए कैसा कुछ गाड़ी का लुक आ रहा है। तो गाइस बाहर के मुकाबले इन्होंने अंदर अपने वॉशिंग बहुत ही अच्छी की है, तो वीडियो में आपने देख लिया है बाहर के मुकाबले में अंदर कितना फ़र्क होता है वॉशिंग करने में। तो गाइस मेरे हिसाब से गाड़ी में कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं रही है। आप कमेंट करके बताइएगा कैसे कुछ वॉशिंग हुई है गाड़ी की। बट गाइस मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य हो ये होता है कि आप तक पूरी डिटेल में वीडियो पहुंचाना कि कैसा कुछ वर्क होता है, कैसे क्या होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो।